क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती है पर सूरज का एक किरण नहीं देखती. एंड आई एम लकी. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन मोदी हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म हु हैड अ गट्स टू मेक अ फिल्म एंड टू रिलीज द फिल्म एज वेल. देन कम्स माय फ्रेंड दिलीप सोनी हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म एंड लाली जी. दे आर माय वेरी बिग सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स माय कास्ट एंड क्रू लाइक अदी रानी अक्षय खरोड़िया दिव्या सिंह आरती then my music directors Dinarash and Greg and my writer M. Saleem. Everybody knows him. Saleem bhai, okay, say hi to our audience. Yeah. There and sabse zyada aap log. Media nahi hoti to na film banti na aage badhti na logo mein craze banta aur na hum apne armaan poore karte hain. Thank you very much for coming over here and being a part of our event. And thank you so much for doing my job. I would want to call the producer of the film now. No, no, please stay here. Please stay here. Yeah, I want to call the producer of the film. It's his first film. And guys, I need your help because this is my first film as a solo director, and I want you to do the best for me. I'm sure you'll do for me. करेंगे ना सर आप लोग? Welcome the star cast of the film. Oh, dude, they are so excited. Lali ji, please. He is a part of the distribution. Yeah, Indian talkies. Yes, Indian talkies. Indian talkies belongs to Dilip ji, and then comes Lali ji, and Lali ji was very helpful to get this film to Dilip ji. Rasta mujhe unhone dikhaya. Thank you very much, Lali ji. Okay, and now comes the actor. बहुत देर से बैठ के अपने बाल थी. दिव्या सिंह. Come on, guys, तालियों की आवाज तो आती रहनी चाहिए. और परी चौधरी को भी आपने फिल्म में देखा. उन्होंने काफी फेस्टिवल फिल्म्स की हैं, पर आज इवेंट में नहीं आ पाई हैं. क्यों? आई थिंक अक्षय को पता है. अक्षय आने से पहले डिस्कस कर रहे थे. अक्षय कहाँ है? एक्टर भी है और शिवा के सबसे करीबी दोस्त भी है. इनकी जोड़ी को आपने कई बार देखा है. या द क्लोज बडीज. मैंने इनको बुलाया शायद जब जन्म लिया तब अपने आँख खोल के माँ को नहीं देखा होगा. बम्बई आके जब आँख खोली तो इसको ही देखा था मैंने. तो मेरी बम्बई की माँ है ये. मुझे लगा था ये यहाँ आके इनके सीक्रेट्स ओपन करेंगे. यहाँ आते ही आप लोग सब. इन्होंने भी हाँ हिंदी फिल्म. वाओ. और अब बड़े पर्दे पर भी देखा हमने इन्हें. हाँ, आप कुछ बता रहे थे. क्या बता रहा था? इसने बोला ना पैदा होते ही मैंने माँ को नहीं देखा. मुंबई आकर के मतलब पैदा होते ही सीधा 21 साल का हो गया था क्या? नहीं, पैदा हो गया जब हम खोलते तो माँ ही नजर आते ना पहले. तो बम्बई में जब पहले पैर रखा तो मैंने खोला जैसे बाहर जाते बोलते ना जे माता जी. तो मैंने यूं किया तब तक सामने खड़े थे. मैंने बोला वाह मेरी माँ मिल गई मुझे. And now I would like to call my music directors, both of them. Please, can we have you on? दूसरे कोई है? नहीं ना. नहीं इसको नहीं. हाँ तो ये इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई. Music. And I would like to call my writer sir M. Saleem. बहुत अच्छा लगा. बेसिकली जितने भी एक्टर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स. स्पेशली अदी इज लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड और उसने इस फिल्म में बहुत कमाल का रोल किया है एंड ही इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. हालांकि लड़का या लड़की ने तो काम किया ही बिकॉज फिल्म इज बेस्ड ऑन दिस बॉय एंड दिस गर्ल. बट अदी इज ब्रिलियंट इन द फिल्म एंड इट वॉज रियली डिफरेंट. एक कहते हैं ना कि डिफरेंट माहौल होता है. एज एन एक्टर मैं एक ही कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ बट एज अ डायरेक्टर I can play innumerable characters. मतलब I can play the heroine character, hero's character, villain's character, father's character, teacher's character. मतलब कोई इसकी उसी कोई सीमा नहीं है. तो मुझे एक्टर बनने से ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर पहले से बना तो आज तक मैंने कम से कम हज़ारों कैरेक्टर्स प्ले कर लिए होते हैं अलग अलग फिल्मों में. तो एज एन डायरेक्टर किसी डायरेक्टर से इंस्पिरेशन लिया था क्योंकि आपने तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया. तो ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसका बहुत इंस्पिरेशन लिया? एक है मणि रत्नम एंड द सेकेंड वन इज मुकुल आनंद. एंड मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ दे आर लाइक जीनियस हैं
बट देर आर इवन न्यू डायरेक्टर्स जो आते हैं, जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं या छोटी मोटी फिल्म, वो भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो जीनियस बन के उसमें ही कमाल की टैलेंट है. न्यू कमर्स आते हैं, ऐसी कोई चीज़ बना के जाते रही यार, ये तो पता ही नहीं था. सो आई यूज़ टू वर्क विथ ऑल द डायरेक्टर्स, चाहे वो ए ग्रेड फिल्म हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड, कोई भी फिल्म हो, मैं अच्छी चीज़ें उनसे हासिल करता था. बिकॉज मैंने एज अ डायरेक्टर कोई असिस्ट नहीं किया है, बट देन बिकॉज आई यूज़ टू सी ऑल दिस पीपल, मेरा विजन बढ़ता गया. एंड आई थिंक प्रैक्टिकली वो विजन काम आता है जो आप हमेशा सीखते हो, नॉट थियोरिकली, प्रैक्टिकली. तो सर आपने पहले से सोचा था कि डायरेक्शन करना है या फिर मतलब? हाँ, जब एक्टर बना था तभी सोचा था कि यार, जब मैं फिल्म शूटिंग करता था, मैं शूटिंग फॉर कयामत से कयामत तक द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइंड विथ आमिर खान एंड मंसूर खान, तो आई टू वॉच दैम डूइंग डिफरेंट शॉर्ट्स एंड देन डिस्कसिंग ऑन द डिफरेंट इश्यूज. तो मुझे अच्छा लगा क्या मज़ा आता होगा. तो आज मंसूर को मैंने पूछा एक बार, सर सर एज एन एक्टर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं शॉर्ट दे के बैठ जाता हूँ, आपको क्या मज़ा आता है? इसलिए कि दिस इज़ अ क्रिएटिव जो कीड़ा होता है ना, उसको सेटिस्फाई करने वाली बात है. मतलब आई एम डायरेक्टिंग सो मेनी एक्टर्स एंड माई फिल्म पीपल आर गोइंग टू वेट फॉर इट, कि यार एक डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला है, वो कैसी फिल्म बनाने वाला है, क्या होने वाला है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे एक डायरेक्टर बनूँ जो लोग आगे सोचे कि दिस मैन इज मेड अ फिल्म, इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, तो यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म. सर जैसे मैंने मेंशन किया कि ऑलरेडी आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, क्या उनको उनको दिखाने के लिए मतलब कोई स्पेशल स्क्रीनिंग या ऐसा कुछ रखने वाले ताकि आपका काम उनको भी पता चले? जी मैं रखने वाला हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं. एंड आज का एक दो दिन में मैं यही बात कर रहा था सबसे, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट स्पेशल शो ऑन 25th ऑफ दिस मंथ. तो मैंने सोचा कि मैं सारे लोगों को जो अपने दोस्त हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, आई वॉन्ट टू मेक देम प्राउड. बिकॉज जब मैंने ये सब लेआउट भेजा डिज़ाइन का, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. तो आई वॉन्ट टू शो देम द फिल्म कि ये तो देखिए आप प्राउड तो फील कर रहे हो, वॉच द फिल्म एंड देन टेल मी इफ यू आर प्राउड ऑफ मी और नॉट. ओके नितिन जी से जानना चाहूंगा, द प्रोड्यूसर दो. एक्चुअली आई वांटेड टू डू समथिंग इन बॉलीवुड. सो लिटिल क्लोजर योर माइक. थ्रू अ कॉमन फ्रेंड आई एक्चुअली मेट शिवा एंड लाइक यू नो वी वर जस्ट डिस्कसिंग लाइक यू नो व्हाट वी कैन डू टुगेदर एंड द थिंग्स. And he narrated me the story. And the way he narrated the story, it actually appealed like, you know, let's do this together. And that is where the entire thing started. And then we started off like, you know, screening for the cars, for everything. And the team is... इनको भी कमाल का किस्सा बताऊँ. इनको भी लोग मिल गए थे कि अरे यार फिल्म बनाइए, यूँ बेच दूंगा, यहाँ बिक दूंगा, यहाँ बेच दूंगा, ये इतना डालोगे इतना 25-30 लाख तो आपके जेब में आ जाएगा. उन्होंने वेरी गुड. तो मुझे आगे बोला कि सर आप तो फिल्म बना के बोलते हो कि बस डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर ऑडियंस कि पैसे आएगा कि नहीं आएगा, बट एक तो बोलता है कि मैं तो गारंटी देता हूँ कि यहाँ यहाँ बेच के फिल्म. मैंने बोला एक काम करते हैं, 100 रुपये का हम स्टैम्प पेपर लेके जाते हैं और आप बोलो. मैं उसको बोलूँगा कि भाई देख ये स्टैम्प पेपर है, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि इनको 25 लाख, इनको 25 लाख भी नहीं चाहिए, जो डाला वो डलवा दे वापस तो भी चलेगा. अरे क्या शिवा भाई, इंडस्ट्री में इतने सालों से आप मुझे ये सब बातें पूछते हो, तो मैंने बोला क्यों गलत बात बताता है इनको, है ना. तो सर यार यार तुम तो मेरा काम खराब करने आ गए. मैंने काम खराब करने आया, एक इंसान को बचाने आया हूँ कि सच्चा बोलो कि भाई दिस इज़ अ गैम्बलिंग वर्ल्ड. आप 1 पैसा डालेंगे तो 1 करोड़ भी आएगा, 1 पैसा डालेंगे तो 0 भी आएगा. सो यू कांट वेट एंड कांट डिपेंड ऑन दिस इंडस्ट्री टू हैव मनी बैक. यू हैव टू सेटिस्फाई योर पैशन, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. ओके शिवा सर आपसे ही जानना चाहूँगा, कयामत से कयामत तक या हम कयामत से कयामत तक हम अनगिनत फिल्में आपके नाम. इट्स ओके सर इफ यू कैन हियर मी. अनगिनत फिल्में, अनगिनत किरदार और उसके बाद डायरेक्शन की तरफ रुख करना, जैसे आपने भी कहा कि प्रोड्यूसर साहब को कोई साहब मिल गए थे और उन्होंने कहा कि किस तरह का बदलाव देखते हैं आप फिल्म मेकिंग के अंदर, जिस तरह का सब कुछ हो गया है. एक वक्त हुआ करता था कि 25-25 हफ्ते फिल्में चला करती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली. तो सर हर चीज़ में बदलाव आना जरूरी, रिवोल्यूशन इज एवरीवेयर, चाहे वो ह्यूमन काइंड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो. तो आई थिंक रिवोल्यूशन बहुत अच्छा आया है, लॉट ऑफ थिंग हैज चेंज. और एक अच्छी बात यह है कि सब लोग अपने टोज पर है कि ये अच्छी बना के जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा. आई हैव टू मेक द बेटर फिल्म देन हिम. अपने आप से इंसान कंपटीशन करता है. तो आई थिंक द थिंग इज द वर्ल्ड इज चेंज, इंडस्ट्री इज चेंज, बट फॉर द बेटरमेंट. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि वो चल गया. और आज के वक्त में बहुत ही वैरिड सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनती है, पहले इतना नहीं बनता था. पहले तो यही था खूब कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, और कमीने हम होते थे, हमारे खून पे नहीं रोआ जाते थे. सो दैट वाज द ओनली वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. आज तो कितनी अलग अलग चीज़ें बनती है, तो हमें अच्छा लगता है कि वी कैन वर्क ऑन द वेरी सिचुएशन एंड वर्क.
मैं एक्टर से जानना चाहूंगी, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? हमेशा बड़े पर्दे पर जब एक्टर्स को देखा था, आज खुद को देख के कैसा लगा? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हाय, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, एंड रियली दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ माइन, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक शिवा सर कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज किया. एंड ये भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है इस चीज की कि कैसे कास्टिंग हुई इसकी. सो आई थिंक सर के मुंह से ज़्यादा सुनेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको मजा आएगा. स्टोरी सुनाते रहेंगे ना तो धीरे धीरे मालूम पड़ा धीरे खाली होता गया सब. तो काफ़ी एंटरटेनिंग हमारी स्टोरी थी, एंड सर ने मुझे कैरेक्टर के लिए चूज़ किया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैम. एंड बाकी हमारे प्रोड्यूसर नितिन सर, एंड दे बोथ जस्ट सेलेक्टेड मी फॉर द फिल्म. एंड कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, एंड रियली जब मैं छोटा था तब तो मुझे नहीं था कुछ ऐसा कि मैं कभी एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा था, बट कहीं ना कहीं एक अंदर था कि मुझे एक्ट करना है, और कहीं ना कहीं एक पैशन था कि मुझे करना है. और तो उस पैशन को मौका इन लोगों ने दिया मुझे आज इस पर्दे पर लाने पर. एंड या इट्स रियली अ क्रेजी थिंग कि बीइंग एन एक्टर इज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस की इतनी मीडिया को सामने आके फेस करना इज रियली डिफिकल्ट टास्क. But yeah, I'm enjoying this. This is my first time, so yeah, next time I'll be habitual of this. Ooh, I like that confidence. Good. Yeah, yeah, you are confident. Just tell us your experience. अपने आपको बड़े पर्दे पर देख के आपको कैसा लगा? Okay. मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी. It's all of a sudden it happened, and जो भी मेरे रास्ते में आया, I opened my arms and accepted it with happiness. तो ये फिल्म ऑल ऑफ अ सडन इट वॉज नॉट लाइक क्या हम शूट पे जाने वाले थे और 5 दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई थी, जस्ट 5 डेज बिफोर द शूटिंग. एंड तब मुझे लगा था ओके लेट्स डू इट, बिकॉज आई नो शिवा सर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, यस. एंड मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना अच्छा फिल्म बन के आएगा. मैंने बोला चलो एटलीस्ट इट्स बेटर सिटिंग एट होम डू समथिंग, इट विल पॉलिश मी बीइंग एन एक्टर लाइक. तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं. बट अभी एग्जैक्टली जब मैं देख रही थी अपना सॉन्ग, आई वॉज सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन इट. सो थैंक यू शिवा सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. या रिसेंटली आई हैव डन अ पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म, बट ये मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, स्पेशल विथ शिवा सर, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हमेशा. उनको ऐसे विलन के तौर पे देखना भी, मतलब उनकी फिल्म मैंने कभी नहीं छोड़ी थी. बट अब एक बार ऐसे जैसे दिव्या ने बोला कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक सबकी कास्टिंग हुई है 5-6 दिन पहले ही, जब वो ऑलरेडी सेट पर पहुँच चुके थे आई थिंक, है ना सब. सेट पर पहुँचने के बाद फ़ोन आ रहा है कि आरती भी हमारी ये फिल्म चल रही है, ये है. आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने उनको पूरा डिटेल भी पूछा होगा कि सर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़े वही थे कि हाँ शिवा सर है, दैट इज़ बेस्ट थिंग. और जाने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर मैंने प्ले किया, शायद एक ट्विस्ट दिया है, तो बहुत मज़े किए हम सब ने, और बहुत एन्जॉय के साथ हमें विथआउट एनी स्ट्रेस बहुत अच्छे से शूट किया कम्प्लीटली. और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा 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 बेस्ट रहा. थैंक यू. स्ट्रेस तो बहुत था. से शुरुआत करते हैं और क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप दोनों का क्या किरदार होगा. मैम सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं. तो भाई हिला रहे हैं. देखिए अगर सारा कुछ मैं अभी बता दूंगी तो लाइक क्लाइमेक्स रिवील हो जाएगा. सो बेटर लाइक मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी, यू शुड कम एंड वॉच इट. एंड बाकी आई एम लुकिंग गॉर्जियस, आई एम लुकिंग सेक्सी, दैट्स एनफ. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर? एक्चुअली ये कैरेक्टर जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ, इट्स द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर. बट द फिल्म में जो ट्विस्ट है ना, दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय व्हेन यू कम टू वॉच द फिल्म. तो मैं चाहता हूँ पहले आप फिल्म देखने आए, देन यू सी द कैरेक्टर एंड देन यू रियलाइज कि क्या उसका आपके लिए ओपिनियन है. सो यू बट ये जितना सीधा दिख रहा है ना वैसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है फिल्म में, इसका उल्टा. सो आई थिंक आपने सॉन्ग देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि शी इज टू गुड. थैंक यू. So yeah, anything else you want? Yeah. How was your experience with Shiva sir, and what you learned from him? Actually, शिवा सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिला. इतना प्रेशर मैं नहीं ले सकती है, ट्रस्ट मी, मेरा ऐसे ना ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा. नहीं, प्रेशर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया. इतना प्रेशर लिया उन्होंने, आई सीरियसली
मतलब सर मेरे को मुझे सिखा दो ये सिखा दो कैसे करते हो मैं बताना चाहूंगा ट्विस्ट बनाना है ना समथिंग स्पेशल तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है और उन्होंने ऐसी चीजें निकाली स्टोरी में जो ट्विस्ट था उसके साथ-साथ हमें भी ऐसे ट्विस्ट करके बट सीरियसली सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सर का जो बनाने का डेडिकेशन था जब सर पहली बार हमें स्क्रिप्ट नरेशन कर रहे थे तो दैट वॉज द मोमेंट कि सर का जो बनाने का पैशन था ना तो हमें ये था कि एक्चुअली हम सर के पहले से बचपन से फिल्म से देखते आए तो एक अंदर था एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट थी बट एज ए एक्टर थी बट एज ए डायरेक्टर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि सर क्या करेंगे कैसे करेंगे एंड सबसे ज़्यादा मैं कन्फ्यूज था क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ फिल्म मेकर वर्क कर चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था पता नहीं कैसे बनेगा बट जब सर ने नरेशन दिया एक एक कैरेक्टर को अलग अलग पूरा स्टोरी ब्रीथ था एंड वो बनाने का जो पैशन था वो एक मजा आ रहा था सुनने में तो हमें ये था कि अगर हम सर की क्रिएशन का पार्ट हो सके तो दैट विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस एंड दैट हैपेंड टुडे दैट्स चेंज ऑल आवर लाइफ टुडे एंड लाइक वी आर सो एक्साइटेड टू यू नो वॉच द फिल्म एंड सी द रिव्यूज ऑफ यू गाइस पहली बात लाइक in this industry people are very rare people like 1% people are there who actually launch some fresher new face I'm thankful to him he gave me opportunity to show me what I have so I'm like really like nepotism ko break karke he's the one jo leke aa rahe hain new faces they try like given us a chance so that's the big deal right now big banners everyone is not giving chance to fresh new faces so he is the one who is giving it so that's called the daring man right now people don't have daring they have money they have big scripts but they don't have that guts to do that so he have a guts he proved it and he's releasing his film and we all are like super excited about it and I'm sure film and is we going need to do your support बिकॉज यू आर गाइज जिनने बड़े बड़े स्टार्स बनाए एंड हम लोगों का करियर आप लोगों के हाथ में अब नाउ वेरी गुड हम सबका करियर आप लोगों के हाथ में आप लोगों के हाथ में सो अब देखते हैं कि हम आप कहाँ तक हैं एंड हम जल्दी वापस मिलने वाले हैं वैसे बहुत जल्दी ऑल्सो हमने देखा कि कुछ बोल्ड सीन भी थे कितने कम्फर्टेबल थे आप लोग एज ए डेब्यूटेंट और सर ने क्या ब्रीफ किया था आप लोगों को अगर मेरे से पूछो ये क्वेश्चन नहीं किया बट ये जो मेरे साथ हुआ है मतलब होता है मेरे ख्याल से हर लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है डूइंग दिस सीन इन फ्रंट ऑफ टू मेनी पीपल लाइक पूरा क्रू है एंड उसके सामने आपको ऐसा सीन करना है बट शिवा सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया मतलब आई वॉज वेयरिंग बिकनी एंड आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम वेयरिंग बिकनी आई एम लाइक आई वॉज लाइक फुल यू नो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरा कपड़ा पहनी हुई हूँ मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम इन बिकनी नॉट इवन शिवा सर द होल क्रू दे सपोर्टेड मी इन दैट मोमेंट एंड आई एम रियली एंड आई वाज द मोस्ट मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ ग्रेटफुल सबसे ज्यादा डरा हुआ मैं था बिकॉज उल्टा मैंने इसको कन्विंस किया है एंड शी वाज लाइक अक्षय कुछ नहीं होगा डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू मैं बता दूं तुझे क्या करना है रिलैक्स एंड शिवा सर इज लाइक तुम दोनों ना डिस्कस कर लो तुम दोनों कैसे करना है मुझे उल्टा शिवा सर ने हमें अकेले छोड़ दिया कि तुम लोग अपना केमिस्ट्री बिकॉज़ इट्स रियली डिफिकल्ट यू नो कि लोगों को बहुत इजी लगता है टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बट द थिंग इज इट्स रियली डिफिकल्ट बट हमें ऐसा फील नहीं होने दिया सर ने हम सेट पे पूरी टीम हर कोई था एंड वी वर जस्ट यू नो एंजॉयिंग इट्स काइंड ऑफ लाइक इट बिकम अ फैमिली फॉर अस we are enjoying with our music director producer so we are the, hame aisa nahi lag raha tha ki you know ki hum kisi aur ke samne ya hum uncomfortable ho rahe hain cheezon ko karne ke liye to usme hum bahut comfortable ho gaye the main thoda conscious tha because mujhe to like on screen ye pehli baar because he is shy type pehli baar mera bhi tha mera koi 100 time nahi tha but you he is very shy type so aa raha hai mereko pata kitni mehnat karni padi isko open up karne ke liye top scene kyun na ho sir ne itne acche se use describe kiya hai तो हमने बहुत अच्छे से हमें कुछ एक सीन है जैसे कुछ हमने यहाँ पे कंटेंट ट्विस्ट दिया है जबरदस्त वाला वो करते हुए हम लोग सीरियसली कांप रहे थे कि हम लोग कैसे करें बट वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने कोई भी टफ सीन हो कितना भी हो बट उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि हमने बहुत अच्छे से भी प्ले कर पाया जो चीज एक एक्टर के लिए होता है वो डेब्यू होता है एंड वो कैसे मिलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज लोगों को क्या होता है कि
ऑन स्क्रीन तो आप आ गए, मगर चांस कैसे मिला वो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। तो ये हमारी कैंडी ट्विस्ट में ये भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सर ने मुझे कैसे मिले और सर ने मुझे कैसे लॉक किया। सो दैट्स द वेरी बिग स्टोरी। बड़ा परेशान था खास करने क्योंकि मेरा जो लड़का चाहिए मुझे वो बहुत ही क्यूट गुड लुकिंग और आम जितने लड़के की शक्ल दिखती है उससे कुछ अलग चाहिए। और मैं बहुत सारे लड़के देखे हैं और उनसे मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस भी करवाया। आई वाज़ हैप्पी कि मुझे वो चाहिए था कि जो मतलब इतना भोला कि मतलब कितने कि हुस्न के सामने ख़त्म हो जाए, है ना। तो वो भोलापन चाहिए था मुझे। तो मैं FTCA सुनील शेट्टी के वहाँ मैंने कास्टिंग की थी तो उनके ग्रुप वाले बैठे थे तो मैंने बोला यार कोई लड़का नहीं मिल रहा है। 100, 200, 300 लड़के देख लिए क्या ऐसे। सर आज सुबह एक लड़के ने एक फ़ोटो भेजी है तो देखा मैंने बोला अभी क्या भेजी हुई होगी। देखा क्या ही चाहिए सर एक्टिंग। मैंने एक्टिंग नहीं पूछनी है मुझे, अगर शक्ल मिल गई मेरी मेरा 50% मेरा काम हो गया। एक्टिंग तो एज एन एक्टर आई नो वी कैन मेक देम एक्ट, वर्कशॉप देंगे कुछ देंगे, बट ये फेस मुझे नहीं मिल रहा था। तो आई गॉट दिस फेस एंड लकीली हूएवर सीन द फिल्म दे हैव लाइक्ड हिम। जो वन जो एडिट करता है या जो 5.1 मिक्सिंग करा था बोले सर आपका हीरो बहुत डिफरेंट फेस वाला है। तो आई सेड आई वर्क्ड हार्ड ऑन दिस। तो बेसिकली सारे जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ मेरा ऐसा ही हुआ है। लास्ट मोमेंट पे तब्दीली हुई और ये लोग आ गए। एक ही था मेरा पिलर वो है आदि ईरानी, मतलब वो है ना वो फिक्स। हाँ वो है ना तो फिल्म निकल जाएगी मेरी। सो नए स्टारकास्ट के साथ फिल्म बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्या सोचा था आपने फिल्म बनाने से पहले? बहुत चैलेंजिंग होता है बट माय दिस किड्स वर वेरी गुड। उन्होंने मैं बहुत गुस्से हो रहा था बिकॉज आई हैड कंस्ट्रेंट टाइमिंग कि मुझे इतने दिन फिल्म कंप्लीट करनी। प्रोड्यूसर ने एक जगह पे डंडा डाल दिया था इसके ऊपर जाओगे फिल्म बन। सो मेरे सर पे तलवार थी एंड ही हैड गिवन मी लिबरल हैंड कि यहाँ तक आप जो भी करना है करो बट आई वॉन्ट दिस फिल्म इन टू दिस ब्रैकेट। तो मैंने बहुत पूरी मेहनत की, पूरा स्क्रिप्टिंग किया, ये किया। मैंने यहाँ तक ये हो गया कि जितने भी एक्टर्स हैं मेरा कैमरा मैन मेरे लाइट मैन मेरे स्पॉट बॉय इन सबको स्क्रिप्ट याद होती थी। तो मैं कहीं भूलता नहीं शॉट, अरे सर वो शॉट ले गया आपका वो जो क्लोज लेना था तेरे को, इतनी स्क्रिप्ट आपने बड़े पढ़ के सुना दी है सबको, सबको स्क्रिप्ट याद है। तो एंड दूसरी बात ये थी कि मेरे शूटिंग में काफ़ी मस्ती होती रहती है एंड सबसे बड़ा मज़ा क्या आदि ईरानी, मतलब कहीं भी होगा वो माहौल कभी ठंडा नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा। सो मेरे सारे एक्टर्स और जितने भी लोग थे यूज टू बी हैप्पी विथ एंड यूज टू बी मैड विथ दैम। सो आई वॉज हैप्पी दैट दे वर हैप्पी एंड उनका चार्ज रहता था काम करने में एंड आई वॉज इन माई वर्क। सो इट बैलेंस कर लिया उसने। इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन प्रोवाइडेड दे कम ऑन टाइम एंड दे वर्क हार्ड डेडिकेशन। आजकल के लड़के जो हैं वो बहुत ही 5 बजे बोलो तो 6 बजे बोलते, 6 बजे बोलो 7 बजे बोलते। गाइस आई विल टेल यू वन थिंग, आपको इंडस्ट्री में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है एंड डेडिकेट योर सेल्फ टू दिस टैलेंट। आपको कोई रोक नहीं सकता, मुझे किसी ने रोका नहीं ना बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ये जिसका म्यूजिक USP होता है, इस फिल्म का जो है म्यूजिक USP, क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्रिपरेशन की है इस फिल्म को लेके और थोड़ा सा बताइए सर म्यूजिक के बारे में कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक म्यूज़िक इसमें जो बनाया गया है वो सिचुएशनल म्यूज़िक क्रिएट किया गया है फिल्म के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। सो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एंड मी एंड ग्रेग वी वर्क इन 3 cities टुगेदर। हम लोगों ने बॉम्बे में भी रिकॉर्ड किया, कुछ लिरिक्स हमने गोवा में भी करे, दिल्ली में भी करा। सो वी ट्रैवल्ड अलॉट among us because we are also traveling musicians, we perform also. So getting to the film project is like was nice and exciting also, plus we wanted to give our 100% the lyrics, music and also the whole structure of the tracks and composition. So humne kafi mehnat kari and we worked really hard and we are very much honored and, you know, to be here. Anything you would like to add? I think it's been amazing, the journey has been really amazing and a lot of things that came up, you know, but while we were playing the songs and stuff, so a lot of ideas in between days, nights, overnights. So it was a non-stop affair. A lot of changes also, like last minute changes happened. Last minute changes and all
So then you rectify those things and then. And then I'll be, oh, it's 3 o'clock, man. Hey, Greg. So Dino calls, hey, Greg, 3 o'clock, change that part. Get up, wake up. Like, you know, so I say, oh, this is what we got to do sometimes. So it all happens, you know, while everybody's sleeping. So that's when we work, actually. So. Create. So that's when you can create and stuff like this. No one to disturb you. No bells. No phone calls. You know all that stuff. So it's you can put your heart and soul into what you're doing. Creation comes when you dedicate your mind and your soul towards it. So we worked around the on and off like two and a half months to prepare the entire structure of the tracks, select artists, lyrics, and the type of lyrics that we want. And again, like I said, ke beech mein hamare kafi changes ho gaye the tracks mein, so we made that. And yeah, so the great journey and the result was great and came out really good, and I hope you guys like it. This is our first project, and we have other projects also lined up after Candy Twist, the crime story. It's become a platform for us, and a lot of people liked our music. After that, we got a chance from other films to which they want us to make music for them. And this is a great life opportunity. I must thank Shiva Bhaiya that he thought that we are capable of delivering him the tracks and also the what he wants. And sure, mehnat, there's a lot of mehnat in everything. Like you work, you have to work. How was your experience working with Shiva? Shiva sir, fully dedicated, very hardworking, non-stop, continuously. Like, you know, unke mind mein sirf ek hi cheez chal rahi hoti hai, movie. Whenever we used to discuss, like, you know, it used to be long discussions, and like very hardworking guy, very passionate. बहुत हार्ड वर्क गई है इस फिल्म को बनाने के लिए. प्लीज़ ऑल वेलकम टू सी द मूवी. ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.